सुमित फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कब आएंगे पता नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, अभी शाम के 4 बजे से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मेरा मन थोड़ा सा ठीक नहीं था, क्यों वो मैं बताती हूँ आगे। ब्लॉग को स्टार्ट तो कर लेते हैं। सो आज मम्मी ने बनाया था खिचड़ी, क्योंकि कल रात से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है और कोलकाता में बारिश होगा और खिचड़ी नहीं बनेगा, ऐसा कोई बंगाली का घर है ही नहीं। सो बंगाली लोग ना बारिश के वजह से ही खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। सो जैसे कि मेरे घर में भी बना है खिचड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सोना मूंग दाल और कामिनी आतप चाल, ये बंगाली का फेवरेट एक खिचड़ी बनाने का इंग्रेडिएंट्स होता है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सो बस वही बनाया था। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और हाँ बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखिए सुबह से मैंने आज क्या क्या मम्मी के हाथ का मम्मी को हेल्प किया। ठीक है, मम्मी तो उतना काम वगैरह करने देती नहीं है, लेकिन मैं टाइम पास नहीं होता है ना, कंटाल आता है बैठे बैठे, तो मम्मी को मैं बोलती हूँ नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करने दो, नहीं तो मेरा मन नहीं लगता है। तो चलिए आप देखिए मैं मम्मी के साथ क्या बना रही थी और उस बीच में मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। तब तक आप देखिए हम लोग क्या कर रहे थे लंच टाइम पे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए हम लोग बना रहे हैं बैगनी। बैगनी को ऐसे मोटे मोटे स्लाइस में हम लोग काटे हैं, दुकान में तो इससे भी पतला करते हैं। उसमें बेसन का बैटर घोल के रखा है, इसमें देखिए ऐसे डीप करके रखा है। उसके बाद कढ़ाई में तेल में हम लोग बना रहे हैं बैगनी। बारिश का मौसम है ना, आज बना है लंच में खिचड़ी। ये देखिए फ्रेंड, इतना बारिश हुआ ना, पानी भर गया है हम लोग का घर के पीछे साइड पे, और बहुत सारे अमरूद है ना जो अंदर ही अंदर पूरा पक गया है, पक के ना सर गया है ऐसा। और करेला भी आया है जो पीला पीला हो चुका है, और कितना पानी भर गया देखिए। इधर ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत बारिश क्या होता है, पानी भर जाता है। और पानी का बूंदे पानी के ऊपर गिर रहा है ना, मतलब जमा हुआ पानी के ऊपर गिर रहा है, देखने में कितना मस्त लगता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पानी का गिरते हुए शोर, और ये मतलब दृश्य क्या बोलते हैं, दृश्य ही बोलते हैं ना। और वो कोचू पाता है, इसमें पानी गिरता है लेकिन इसमें पानी पकड़ता नहीं है, कोचू पाता भीगता ही नहीं है। इसका ऊपर ऐसा क्या डाला हुआ रहता है जिसकी वजह से कोचू पाता में जितना भी पानी गिरे कोचू पाता गीला नहीं होता है। हम लोग इसको कोचू पाता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके बताना। हाँ सो इतना प्यारा लग रहा है। और गाइस बता दूं, बैड न्यूज है, क्या बोलूं, आज है आज कौन सा दिन, आज है थर्सडे और जनवरी मार्च में अगस्त, अगस्त का 1 अगस्त है, मतलब आज है 1 तारीख और आज है ट्यूजडे। आज सुमित चले गए हैं गुवाहाटी, उनका 4 बजे ट्रेन है हावड़ा से। सो अभी वो ट्रेन पे चढ़ गए हैं और मैंने, उनका कुछ काम है तो इसलिए मैंने रोका नहीं, मेरा तबीयत अभी सही हो गया तो इसको काम को भी, काम भी देखना है ना, इसीलिए वो चले गए हैं। होता है ना, मैं ना
इमोशनल ना अंदर से होती हूँ, उतना नहीं बया कर पाती हूँ। आप देख रहे हो मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन अंदर से ना थोड़ा सा इमोशनल हूँ। और तबीयत खराब था इसलिए वो आए थे, अभी उनका काम हो गया, मेरा तबीयत सही करके फिर से वो चले गए हैं। और काम भी देखना है, क्योंकि हम लोग का बंगाली का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल आने वाला है, दुर्गा पूजा। उस टाइम पे पैसा भी हाथ में होना चाहिए ना कुछ शॉपिंग वगैरह खरीदने के लिए, तो इसलिए वो अभी रिटर्न चले गए हैं। अभी कब आएंगे मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता चलेगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। तो चलिए आप देखिए सुमित का वीडियो क्लिप, मैं तब तक मैं अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ जो मैं कल पोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए तब तक मिलती हूँ, अब तब तक देखिए सुमित कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, So, जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, इसीलिए मैंने सोचा था कुछ भी शूट नहीं करूंगी सुबह से। सच बताऊं मैं शूट करने का मूड पे ही नहीं था, लेकिन फिर सुमित ने बोला नहीं आपने बोला है बहुत दिन तक आपने शूट नहीं किया, कुछ ना कुछ तो आप अपलोड करोगे। मैं रील्स भी नहीं शूट कर पाई, और इतना बारिश का नॉइज सुन पा रहे हैं ना, बहुत बारिश हो रहा है। और आज मेरे फादर इन लॉ भी आने वाला है शाम को, तबीयत खराब था ना तो इसलिए फादर इन लॉ भी आने वाला है, उसका ब्लॉग मैं शूट नहीं करूंगी, मतलब वो मैं शूट नहीं करूंगी। तो पता नहीं मैं इस वाले ब्लॉग को कितना देर तक कंटिन्यू करूंगी और कैसा लगेगा ये वाला ब्लॉग आपको, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जो मेरे साथ आज हो रहा है, हाँ, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, अच्छा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं अभी तक मायके में हूँ, 1 मंथ हो गया है मैं अपने मायके में हूँ। कब तक सुमित वो घाटी में काम करेंगे? आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके बोला कि क्या दीदी आप कोलकाता सेटल हो गए हो या फिर से गुवाहाटी जाने वाले हो? देखिए गुवाहाटी तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर सुमित जॉब करते हैं, तो जैसे सुमित आया है ऐसा मुझे भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकती मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगी, गुवाहाटी तो जाना पड़ेगा। आसाम मुझे बहुत अच्छा लगा, आसाम आसाम कंट्री मतलब बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैं चाहूंगी और 2-3 बार मैं जाऊँ आसाम। हाँ, उधर घर भी है, जो पहले रहती थी ना वो वाला रूम हमने छोड़ दिया है अभी, इसी वजह से सुमित ने बोला अभी रूम छोड़ देते, देखिए हम लोग उधर रहेंगे नहीं अभी, मतलब मैं नहीं रहूंगी तो फालतू में इतना रेंट पे करना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए सुमित ने सब सामान लेकर कोलकाता शिफ्ट कर दिया है। मैं हूँ इधर अभी, दुर्गा पूजा तक तो मैं रहूंगी इधर, तो तब तक फालतू में रूम का रेंट पेमेंट करेगा, इसीलिए उसने सोचा रूम छोड़ देते, इसलिए हमने रूम छोड़ दिया है। लेकिन हाँ हम लोग उधर जाएंगे फिर से, अभी आगे क्या होता है आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं, कुछ प्लानिंग किया ही नहीं है, जो सडनली हो रहा है वो ही बस झेल रही हूँ और बिता रही हूँ, ऐसा है। कुछ प्लानिंग अगर होता है ना तो अच्छा रहता है, जब कुछ प्लान के बिना अगर होता है ना सडनली सब कुछ करना पड़ता है ना, परेशान भी ज्यादा होते हैं, इसमें दिक्कत भी ज्यादा होते हैं। तो चलिए अभी तो ब्लॉग में एडिट करके एक्सपोर्ट में डाल दिया है, पता नहीं लैपटॉप में एक्सपोर्ट होगा कि नहीं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसको बंद करूंगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, इंटरनेट का सब दिक्कत हो रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है ना इसके लिए। चलिए मिलती हूँ आपसे। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा बारिश क्या हुआ, पूरा पानी भर गया है, ये देखिए इधर जा भी नहीं सकती, इतना पानी भर गया है इस तरफ, और कचरा वाला पानी है, गंदा नाला वाला पानी इधर आ गया, देखिए पानी पूरा भर गया है।
और इस तरफ भी देखिए, ये देखिए पूरा पानी भर गया है, कपड़ा भी नहीं सूखा है। कितना परेशान होते हैं बारिश के वजह से, लेकिन बारिश भी जरूरी है। चा करबे ना तुम्ही? ये देखिए मम्मी सो रहे हैं और ये देखिए 5 बज रहे हैं। और ये जो वेंटिलेटर है ना, ये टूट गया है वो केबल का तार घुसाने के टाइम, तो पापा अभी तक नहीं लगाया है, लगाएंगे बाद में। पापा का हाथ भी टूट गया ना, इसीलिए देखिए 5 बज गया है। सुमित फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कब आएंगे पता नहीं। इतना जल्दी वो उसका छुट्टी फिनिश हो जाएगा पता नहीं चला था, लेकिन फिर से मैं अकेली हो गई। फिर चुपचाप खाओ पियो सो, बस इतना ही, कहीं बाहर निकलना नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करे, करना भी तो है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। सुमित का ट्रेन भी छोड़ दिया है हावड़ा से। चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग दी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, बाय।